हेलो गाइज, कैसे हो आप? सब स्वागत है आपका मेरे चैनल इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक में। आज का टॉपिक है नीति आयोग। तो नीति आयोग के अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसका मतलब है, मतलब इस तरीके की एक संस्था बनाई जाएगी जो देश को क्या करेगी, ट्रांसफॉर्म करेगी। आप जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि या इसकी कब स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी, जिसमें सहकारी संघवाद की भावना को प्रतिनिधित्व करते हुए अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार या मिनिमम गवर्नमेंट टू मैक्सिमम गवर्नेंस की जो परिकल्पना थी उसको लेकर आगे बढ़ा गया। और साथ ही इसकी अगर अप्रोच की बात की जाए तो इसकी अप्रोच थी बॉटम अप अप्रोच, लेकिन जो प्लानिंग कमीशन था या योजना आयोग था उसमें टॉप टू बॉटम, मतलब टॉप पर ही स्कीम को बनाया जाता था और उसको बॉटम पर लाकर इम्प्लीमेंट किया जाता है था। इसमें क्या होता है, बॉटम पर स्कीम को बनाकर उसको ऊपर स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भेजा जाता है और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके दो हब हैं, तो एक टीम इंडिया हब जो राज्य और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है, और दूसरा है ज्ञान और नवोन्मेष हब जो नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। अब जानते हैं जो नीति आयोग है इसका जो कंपोजिशन है उसके बारे में। तो इसके अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, साथ इसके उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त सदस्य इसका उपाध्यक्ष होता है। संचालन परिषद की अगर बात की जाए तो सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री और केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उनके जो उपराज्यपाल होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्षेत्रीय परिषद विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तदर्थ सदस्यता होती है उसमें अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी बारी से जो दो पदेन सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। पदेन सदस्यता की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री के द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य होते हैं, और इसका सीईओ भारत सरकार का सचिव जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है वह इसका सीईओ होता है, और विशेष आमंत्रित प्रधानमंत्री के द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब जानते हैं जो नीति आयोग है इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य राज्यों के साथ निरंतर आधार पर संरचित समर्थन पहल और तंत्र के माध्यम से जो सहकारी संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना। यह मानते हुए कि एक मजबूत राज्य ही क्या मजबूत राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जानते हैं जो नीति आयोग है उसके द्वारा जो इंडेक्सेज वगैरह जारी किए जाते हैं उनके बारे में। तो इसके द्वारा IDG इंडिया इंडेक्स जारी किया जाता है, साथ में समग्र जल प्रबंधन सूचकांक या होलिस्टिक वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स इसके द्वारा जारी किया जाता है, अटल इनोवेशन मिशन इसके द्वारा जारी किया जाता है, 7 परियोजना इसके द्वारा शुरू की गई, साथ में आकांक्षी जिला कार्यक्रम या एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इसके द्वारा शुरू किया गया, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक इसके द्वारा जारी किया गया, जिला अस्पताल सूचकांक इसके द्वारा जारी किया गया, स्वास्थ्य सूचकांक इसके द्वारा जारी किया गया, साथ में कृषि विपणन और किसान हितैषी सुधार सूचकांक इसके द्वारा जारी किया गया, भारत नवाचार सूचकांक या इंडिया इनोवेशन इंडेक्स इसके द्वारा जारी किया जाता है, और वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड भी इसके द्वारा ही शुरू किया गया, और सुशासन सूचकांक या गुड गवर्नेंस जो इंडेक्स होता है वह भी नीति आयोग के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करना।